दोस्तों, अगर आप भी फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपको अप्लाई करने नहीं आता है तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, कितना दिन आपको घर आने वाला है, कितना आपको चार्ज लगने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को मैंने स्किप किया, वीडियो को एंड तक रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक को क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना होगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरा भी यहाँ पर इनकम नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका इनकम होना चाहिए 1.5 लाख से 3 लाख, यानी यहाँ पर आप बिजनेस है करते हैं या नौकरी है किसी चीज़ में, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी उतना इनकम आपका होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दूसरा कोई का अप्लाई कर रहा हूँ तब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा भी कोई यहाँ पर इनकम नहीं इतना है, इसलिए मैं आपको मेरा भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया कि स्टूडेंट है आप नहीं कर सकते हैं, घर में किसी गार्जियन का या फादर को कोई होकर भी कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट आपको ओपन कर लेना है यहाँ पे, और ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो कर दिया हूँ, अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, अकाउंट पर क्लिक कर देना है नीचे में, और यहाँ पर देखते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन है मेरा एक्टिव है, और नीचे में देखते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं आपको अप टू यहाँ पर लिमिटेड कैशबैक 5% आपको मिलेंगे। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखते हैं गिफ्ट वाउचर भी आपको मिलने वाला है, अभी करिएगा तो यहाँ पर देखते हैं 1000 रुपये का अब मिलने वाला, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है। और नीचे में यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यू अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा, मेरा नहीं दिख रहा क्योंकि मैं पहले यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देखते हैं कि 5% आपको हमेशा कैशबैक मिलेगा इस कार्ड को अप्लाई करिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर मिंत्रा हो गया, स्विगी हो गया, उबर हो गया, सारा परसेंट यहाँ पर आपको इस अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये चार्ज लगेंगे। तो नीचे में ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई पे क्लिक करना, जैसे क्लिक करेगा प्लीज बैठ के बाद रखते हैं कुछ इतना इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है जो पैन कार्ड पे है, और नीचे में देखते हैं यहाँ पे फादर्स नेम का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, फिर मदर्स नेम का फुल नेम डालना है, मेल फीमेल है तो डाल लेना है सारा चीज़। यहाँ पर आपको देखते हैं यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ नीचे में डालना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैंने सारा चीज़ फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, उसके बाद पैन नंबर डालना है, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है, बिजनेस मैन है, यहाँ पर आपको दोनों से एक को टिक करना है। और टिक करने के बाद सारा चीज़ टिक कर दीजिएगा, उसके बाद देखते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितना अमाउंट है यहाँ पर डालना है, बिजनेस नेम डालना है, बिजनेस नेम देखते हैं यहाँ पे किस टाइप का बिजनेस है, सारा चीज़ आपको फिल करना है। यहाँ पर देखते हैं 3 लाख से ऊपर का आपको डालना है, तभी आपका यहाँ पर शो करेगा, आगे का प्रोसेस है जो आपको कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेगा आपको, मैं यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दूसरा कोई अप्लाई किया था, मेरे को स्क्रीन शॉट यहाँ पर सेंड किए हैं तो उन्हीं का मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सही दिखा रहा हूँ, इस तरीके से करिएगा आपका अप्लाई हो जाएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसके बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको बगल में आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आधार नंबर में वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, और जिस एड्रेस पर आप कार्ड को मंगाना चाहते हैं करेंट या ऑफिस में रहते हैं वहाँ सारा चीज़ फिल कर लेना। और यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर दूसरा इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, तो फर्स्ट पर टिक कर देना, यहाँ पर नीचे में ऑप्शन है फिफ्थ, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करिएगा फिर से कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद फिर से आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं वेरीफिकेशन नोटिफिकेशन जाएगा आपको मोबाइल नंबर पर, उस पर OTP जाएगा, यहाँ पर OTP डाल के वेरीफाई आपको कर लेना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद फिर से नया इंटरफेस इस तरह का आएगा, जैसे कि देख सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर वीडियो KYC का ऑप्शन आ जाएगा आपको, तो वीडियो KYC करना है आपको, यहाँ पर प्रोसीड विथ देख सकते हैं वीडियो KYC का ऑप्शन है। 5वां स्टेप में पहुँच गए हैं, मैं आपको यहाँ पर लाइव भी दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से करिएगा आपका होगा। तो यहाँ पर प्रोसीड विथ वीडियो KYC का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करिएगा तो कुछ सेकंड वेट करने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड का देखते हैं यहाँ पे आपको रियल पैन कार्ड रखना होगा वीडियो KYC में, आधार कार्ड रखना है या देख सकते हैं यहाँ पे, और लोकेशन आपको ऑन रखना है, यहाँ पर लिखा गया आप पढ़ सकते हैं खुद। यहाँ पर देखते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन फेस आएगा, जैसे कि देखते हैं
यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो अपना जो होम पेज है, अपने आप यहाँ पर रिडायरेक्ट होकर क्रोम पे चला जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो सारा चीज़ यहाँ पर ऑन कर दीजिएगा और कंटिन्यू का ऑप्शन आए तो उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर से इस तरह इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको देखते हैं पैन नंबर, मोबाइल नंबर और आधार का जो नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना है, और डालने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर नया इंटरफेस आएगा, एग्री का ऑप्शन दिख रहा है तो एग्री पे क्लिक कर देना। एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर से नया इंटरफेस आएगा, यहाँ पर ओटीपी जाएगा, देख सकते हैं आपको आधार नंबर जो लिंक है मोबाइल नंबर उसी पे जाएगा। यहाँ पर ओटीपी फिर से आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद फिर से कन्फर्म पर क्लिक करके फिर से आगे की ओर बढ़ना है आपको। आगे की ओर बढ़ने के बाद यहाँ पर इसमें आपका डिटेल यहाँ पर शो कर जाएगा, जो कि आधार कार्ड पे जितना है आपका शो कर जाएगा, रिसीट का जो ऑप्शन है यहाँ पर शो कर जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कर जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर वीडियो के वाईसी का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो के वाईसी पर क्लिक करिएगा, आपका यहाँ पर वीडियो के वाईसी होगा। यहाँ पर आप जहाँ पर बैठिएगा बैकग्राउंड आपको प्लेन होना चाहिए, पैन कार्ड कलम पेन यहाँ पर आपको लेके बैठ जाना है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर आगे क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि देख सकते हैं आई एम रेडी पे क्लिक करिएगा, जितना यहाँ पर लिखा गया डॉक्यूमेंट्स आपको लेके बैठना है, फिर से इस पर क्लिक करिएगा, फिर इस तरह इंटरफेस आएगा, आई एम एग्री पे क्लिक करना है, फिर से आई एम एग्री पे क्लिक करिएगा, फिर से नया इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का। जैसे ही यहाँ पर वीडियो के वाई सी खत्म होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर जो साइड है एक्सिस बैंक का है पर स्लो चलता, कभी कभी स्लो चलता, तो आपको हो सकता है आधा घंटा एक घंटा भी वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको वेट करना पड़े तो यहाँ पर मेरा देखते हैं आगे का जो प्रोसेस है के वाई सी यहाँ पे बीच ही में रुक गया, तो आपको करना कुछ नहीं, अगर के वाई सी कन्फर्म हो जाता है, एलिजिबल आप हो जाते हैं, तो आपको कुछ घंटे बाद यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड का है अप्लाई का यहाँ पर मैसेज आ जाएगा मोबाइल फ़ोन पे, सारा चीज़ अब कुछ नहीं करना, फिर आपको घर पे चल जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर, या 2 दिन में भी चल जाता है, वो डिपेंड करता है कितना दिन आपका घर पे जाता है, लेकिन 10 से 2 दिन या 5 दिन के अंदर आपको घर पे चल जाएगा। उसके बाद आपका आएगा तो फिन पिन जनरेट कर सकते हैं, पिन उसका बना लीजिएगा, बनाने के बाद फिर बिल्कुल इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, मन कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन लिखते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और हेल्प भी जरूर करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस कंटेंट देखने को मिलते रहेगा।